अगर आप इस्तेमाल करते हो गूगल का रोजाना किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए, तो ऐसे में आपने कभी ना कभी गूगल सर्च इंजन में एक छोटे से कैमरा आइकन को ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैमरा आइकन किस लिए दिया होता है गूगल सर्च इंजन में, इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। गूगल दुनिया का नंबर वन सर्च इंजन है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की जानकारी आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब आप गूगल पे कुछ चीज को सर्च करते हैं और वहां पर आपको इमेजेस टैब पे क्लिक करते हैं, तो वहां पर आपको दो चीज देखने को मिलता है सर्च इंजन में। एक मिलता है आपको कैमरा और साइड में आपको मिलता है माइक। माइक का बेसिकली क्या यूज है, जब भी आप माइक पे क्लिक करते हैं और वहां पर अलाउ कर देते हैं परमिशन को, तो ऐसे में अगर आप कुछ भी बोलोगे तो ऐसे में जो भी आप बोलोगे उस हिसाब से गूगल आपको सर्च करके वहां पर दिखा देगा। लेकिन यहाँ पर साइड में एक और ऑप्शन आपको मिलता है कैमरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इस फीचर को यानी कहें इस ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर में ये कैमरा किस लिए दिया होता है सर्च इंजन में, इसका बेसिकली क्या यूज है, उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में और मोबाइल के ब्राउजर में। वेल, गूगल सर्च इंजन में आपको जो छोटा सा कैमरा दिखाया जाता है इसे बेसिकली हम सर्च बाय इमेज कहते हैं। इसके अलावा इसे गूगल रिवर्स इमेज सर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मदद से अगर आपको किसी भी फोटो की जानकारी लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपके पास कोई फोटो है और ऐसे में आप पहचानना चाहते हैं कि फोटो में इंसान कौन है, या फिर कोई पॉपुलर इंसान है, या फिर कोई ऐसी जगह है, या फिर फोटो में कोई ऐसा चीज है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, गूगल रिवर्स इमेज सर्च में उस फोटो को अपलोड कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो बेसिकली ये गूगल इमेजेस जो भी कैमरा फीचर है, ये करता क्या है, आप फोटो को अपलोड करते हो तो वहां पर उस फोटो से सेम वही फोटो अगर इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट ने अपलोड कर रखा है या फिर कहीं पे भी वो इमेजेस है गूगल सर्च इंजन में, तो वहां पर उस रिलेटेड या फिर उसके जैसा जो भी फोटोज है वो आपको वहां पे शो कर जाएगा। इसके साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स होते हैं, जितने भी वेबसाइट है या फिर कुछ भी उसके बारे में जानकारी है, तो वहां पर गूगल सर्च इंजन आपको वहां पर वो शो करके दिखा देगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया फोटो में क्या है, फोटो में किस चीज के बारे में बताया गया है। तो यहां पर अगर आपके पास ऐसा कोई फोटो है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको व्हाट्सएप में बहुत ही फोटोज आते हैं, तो ऐसे में कुछ फोटोज काफी ज्यादा वायरल हो जाते हैं, या फिर फेसबुक में भी कई सारे आपने ऐसे फोटोज देखे होंगे जिनको लोग काफी ज्यादा शेयर करते हैं। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो पॉपुलर फोटो है जो कि लोग बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो ऐसे में आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च में वहां पे उस फोटो को अपलोड करके उसके बारे में अगर किसी भी वेबसाइट ने वो फोटो अपलोड कर रखा है सेम के सेम फोटो, या फिर गूगल सर्च इंजन में वो फोटो है, या फिर किसी ने उसके बारे में आर्टिकल लिख रखा है, तो ऐसे में आपको वहां पर गूगल सर्च इंजन वो लिंक दे देगा जिससे आपको उस फोटो के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप इस यानी गूगल रिवर्स इमेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में और मोबाइल के ब्राउजर में। तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च को इस्तेमाल करने के लिए पीसी में यानी कंप्यूटर के ब्राउजर में सबसे पहले आपको यहां पर google.com खोलना है अपने क्रोम ब्राउजर में या फिर किसी भी ब्राउजर में, और यहां पर आपको इमेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो गूगल में जाके गूगल रिवर्स इमेज सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बाय इमेज यानी इस कैमरे के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड एन इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर URL भी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से सिंपली फोटो को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं अपने फोटो को अपलोड करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फोटो है, तो मैं इस फोटो को अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इस फोटो को अपलोड करा, देखिए तो यहाँ पर ये आपको बता दे रहा है ये जो फोटो है ये मेरा है जिसका नाम है मनोज सारो, और उसके बाद यहाँ पर इस फोटो से रिलेटेड जितने भी इमेजेस है देखिए यहाँ पर वो आपको शो कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर इस फोटो से रिलेटेड यानी मेरे फोटो से रिलेटेड जितने भी लिंक्स है, मेरे सोशल प्रोफाइल्स के लिंक है, वो आपको सारे के सारे यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये फीचर मोबाइल में इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन
मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेम वही स्टेप्स फॉलो करना है, इमेजेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको कैमरा ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फ़ोन से ही फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से एक फ़ोटो से किसी के बारे में भी जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए, गूगल रिवर्स इमेज है वो हर बार 100% आपको सही रिजल्ट नहीं दिखाता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी फोटो आप अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर सर्च इंजन में, हो सकता है वो फोटो अभी फिलहाल गूगल सर्च इंजन में नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप पहली बार अपलोड कर रहे हैं और वो फोटो गूगल सर्च इंजन में नहीं है और उसके बारे में किसी को नहीं पता, किसी ने आर्टिकल या फिर किसी भी वेबसाइट पे सेम उसी तरह का इमेज नहीं है, तो ऐसे में आपको हो सकता है कि गूगल सर्च इंजन एकदम सही से रिजल्ट ना दिखाए। ऐसा इसलिए अगर आप किसी पॉपुलर चीज़ के बारे में उस बारे में सर्च करते हो, कोई पॉपुलर चीज़ है, कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है या फिर कोई ऐसा पॉपुलर फेस है, तो ऐसे में आप उस फेस को यानी उस फोटो को गूगल सर्च यानी रिवर्स इमेज में अपलोड करके वहाँ पर उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा फेमस नहीं है आज तक, उस फोटो को किसी ने यानी उससे रिलेटेड फोटो को किसी ने अपलोड नहीं किया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट ना मिले। तो आई होप दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर में एक छोटे से कैमरे में जो कि गूगल सर्च इंजन में आपको दिया होता है इसका बेसिकली क्या यूज है। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं इसी तरह के तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।